आइए पहले क्वेश्चन पे कि बॉडी ऑफ कॉकरोचेस सेगमेंटेड एंड विजिबल इनटू स्पेलोथोरैक्स एंड प्लूरम सेगमेंटेड एंड विजिबल इनटू थ्री डिस्टिंक्ट रीजन विदाउट एन एक्सोस्केलेटन ऑलवेज विद अ व्हाइट कलर्ड एक्सोस्केलेटन सो फाइंड द आंसर द एप्रोप्रिएट आंसर Moving to the next, identify. देखिए what is the importance of the diagrams. यहाँ आपको पता होना चाहिए कि डायग्राम की क्या importance होती है. A B C D in the diagram. This one is a A. ये A है ये part. ये वाला. This is the A. This is A. This is the B. This is a C. And this one is a D. So you are supposed to find out what is A, what is B, and what is C and D. That's why there is a importance of diagrams, figures. So in this way, you are supposed to mark the right option. Go mark karein. Kya answer hoga? Then coming to the next. Yahan dekhiye head ke baare mein ki cockroach ka head kaisa hai? Oval hai. Bear head capsule which have a pair of simple eye show limited mobility due to non-flexible neck is formed by fusion of six segment. In mein se most appropriate kaun se aapko option lagti hai? Aaiye fourth pe in cockroach a pair of thread-like antennae. Pair of thread-like antennae arise. Kahan se arise hoti hai? Membrane socket lying towards the back side of eye. प्रोनोटम से या मेम्ब्रेनस सॉकेट्स लाइंग इन फ्रंट ऑफ आई या टिप ऑफ कंपाउंड आई इफ यू आर नोइंग द आंसर यू कैन मार्क द आंसर अदरवाइज लीव द क्वेश्चन कमिंग टू दिस हाइपोफेरेंक्स ऑफ कॉकरोच सो मेनी टाइम्स वी आर डिस्कस्ड हाइपोफेरेंक्स इज टंग लाइक स्ट्रक्चर लाइज विद इन द कैविटी इन क्लोज बाय माउथ पार्ट बोथ ए एंड बी is represented by mandible. Identify, देखिए there should be mic mute करें अपना Identify A, B, C, D. यहाँ देखें ये this is the oscillus A part is this one you are supposed to identify this then you are supposed to identify C here it is B and here it is D if you are knowing you can mark it otherwise learn it Now coming to the next question, in cockroach the first pair of wing के दो pair हैं first pair of wing कहाँ से arise होता है mesothorax and second pair from metathorax that is first from metathorax and second from abdomen then C is abdomen and D is head देखिए diagrams कितने important है अगर diagram draw की है तो आपको पता होगा आइए प्रोनोटम प्रोनोटम क्या है ये प्रोनोटम रिप्रेजेंट द डॉर्सल एक्सोस्केलेटन प्लेट ऑफ प्रोथोरेक्स इज फ्यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग कवर्स द हेड ऑल ऑफ द अबव देन नाइन्थ क्वेश्चन रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू पेरिप्लेनेटा द एब्डोमेन इन बोथ मेल एंड फीमेल कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट्स Anal styles are absent in females. Anal cerci is found only in female. Four wings are called tegmina, which are transparent and membranous. And fifth one is इस टाइप के देखिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल फिफ्थ वन इज
Hind wings are used in flight. Which of the above statement are correct? इसके लिए वो मैंने टेक्निक बताई है आपको एमसीक्यू सॉल्व करने की, दैट इज अ टेक्निक ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेट करना है आपने कि ये एलिमिनेट हो जाएंगे, ये नहीं हो सकता, और बाकी जो रहेगी दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। कमिंग टू टेंथ, फीमेल कॉकरोच, देखिए फीमेल और मेल की जो डायग्राम है वो आपको बॉडी की आनी चाहिए। सेवन स्टर्नम इज बोट शेप, टेन स्टर्नम टुगेदर विद एट्थ एंड नाइन्थ स्टर्नम फॉर्म्स अ ब्रूड और द जेनिटल पाउच। द एंटीरियर पार्ट ऑफ द जेनिटल पाउच कंटेन्स फीमेल गोनोबोर, स्पर्मेथिकल बोर एंड कोलेटरल ग्लैंड। ऑल ऑफ अबव आर करेक्ट। इसमें भी लॉ ऑफ एलिमिनेशन लगाएं कि कौन सा एलिमिनेट हो सकता है, लॉ ऑफ प्रायोरिटी। आए हम आगे चलें इलेवंथ क्वेश्चन पे। ये देखिए इन नॉट इन करेक्ट, यहाँ देखो ये चीज पे ध्यान देने हैं आपने, जो बच्चे भूल जाते हैं। नॉट इन करेक्ट, नॉट इन करेक्ट, व्हाट डज इट मीन? यहाँ भी हो एलिमिनेशन वाला मेथड। द एलिमेंट्री नॉट कॉकरी डिवाइड इन टू टू रीजन, फोरगट एंड मिडगट। क्या ये यहाँ लिखना आपने, क्या ये सही है गलत है? इस टाइप से फेरेंक्स इज एबसेंट इन कॉकरोच, क्या ये सही है गलत है? मालपिजन टेब्यूल हेल्प इन रिमूवल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम हीमोलिम, क्या ये सही है या गलत है? ब्लाइंड हाइंड गट ऑफ नैरोअर देन मिड गट इज डिफरेंशिएट टू इलियम कोलोन, क्या ये सही है या गलत है? उसके बेस पे आप करोगे नॉट इन करेक्ट का। इट्स अ ग्रेट प्रैक्टिस फॉर यू। आइए फिर से देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ डायग्राम, डायग्राम की इंपॉर्टेंस के। यहां आपने ये देखना है कि ये ए क्या है, ये वाला ए है, ये वाला बी है, ये देखिए इस टाइप से है, ये बी है, उसके बाद यहाँ ये सी है और ये डी है। तो यू कैन आइडेंटिफाई इट वेल, आप अगर डायग्राम आपको आती है तो आप इसको बहुत अच्छी तरह सॉल्व कर सकते हैं आंसर को कि ए है, बी है, सी है, डी है, क्या ऑप्शन है। कमिंग टू नेक्स्ट, द ये देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन करेक्ट, ये चीज पे ध्यान देना है जो बच्चे जल्दी काम देते हैं इनकरेक्ट। तो इसके भी वो प्रायोरिटी वो ये आपने एलिमिनेशन वाला करना है कि पहला ठीक है गलत है। रीड इट, अब आइए आगे। ये प्रोवेंट्रिकल कॉकरोच क्या है, अभी मैंने देखो ये उसमें भी बताया आपको जो मैच द कॉलम में था। नेक्स्ट वन द गिजर्ड ऑफ कॉकरोच क्या है, ये इसको भी पढ़ें ध्यान से।
अब चले आगे सिक्स पे, फिर डायग्राम यहां देखें, थोड़ा सा लाल व्यू पे ये देख लेंगे क्या क्या चीज है ये। ये देखिए ये बीच वाला है और ये मसल्स के बारे में है, और ये सी क्या है इसको, डी आपने लिखना है कि ओपन या क्लोज सर्कुलेशन है। तो देखिए डायग्राम भी आपने बहुत अच्छी तरह करनी है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कमिंग टू द 17th हीमोलिम्फ ऑफ कॉकरोच, कमिंग टू 18th हीमोलिम्फ ऑफ कॉकरोच, दोनों देखिए एवरी पार्ट ऑफ द कॉकरोच बॉडी हैज बीन एक्सटेंसिवली स्टडीड एंड फ्रॉम देयर दीज क्वेश्चंस आर मेड। आइए अब आगे बात करते हैं। कैविटी ऑफ बॉडी कैविटी ऑफ कॉकरोच रिमेंस फिल्ड विद ब्लड एंड इज कॉल्ड एंड द ब्लड सेल फिल्ड विद क्या बोलते हैं। देखिए बिल्कुल टिपिकल से बहुत डिटेल क्वेश्चंस हैं। अब आए आगे, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ हार्ट ऑफ कॉकरोच, दैट इज ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप्ड, विसरल ऑर्गन्स आर लोकेटेड इन द हीमोसिन एंड बाइल इन द ब्लड, ब्लड फ्रॉम साइनस एंटर हार्ट थ्रू ऑस्टिया एंड इज पम्प्ड एंटीरियरली टू साइनस अगेन, ऑस्टिया लैक्स वाल्व्स, एवरी मसल्स आर फैन शेप्ड एंड हैज नो रोल इन ब्लड सर्कुलेशन। देखिए बहुत ही
डिटेल जिन्होंने स्टडी की होगी वो ही बच्चे आंसर कर पाएंगे। आए अगले पे चलते हैं 22nd पे, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। यहां भी देखिए आपने वही मेथड लगाने हैं कि एलिमिनेशन वाला, कि कौन सा एलिमिनेट किया जाएगा। Then coming to 23rd पे, choose the correct statement। यहाँ जो ठीक है उसको मार्क करना है, नहीं है उसको आपने काटना है, उसी के बेस पे आंसर लिखना है। ट्वेंटी फोर्थ, which of the following help in excretion in cockroaches? Nephrocyte, uricose gland, fat bodies, all of this। 25, Malpighian tubules are attached to gizzard, convert nitrogen waste product into uric acid, so are uricodelic, lie at the junction of foregut and midgut, remain isolated from hemolymph। Then 26th question, if the head of the cockroach is cut off, it will still live for 1 week as, क्यों? इनके चारों चारों देखें और नीचे अलग टाइप का है कि more than one option is correct। बहुत अच्छी तरह 26 के बारे में वर्टिब्रेट और ये कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट के बीच में डिफरेंसेस मैंने आपको बताया, वहां से आप गेस कर सकते हैं आंसर। देन कमिंग टू द 27, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच। हर पार्ट कॉकरोच का यहां लिया गया है, ऐसे क्वेश्चन लिए गए हैं। नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, कितने नंबर है, कितने फ्यूज सेगमेंट है, कौन से सेगमेंट में क्या चीज प्रेजेंट है, उसका आप एक माइंड मैप बना सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर एनसीईआरटी।
आगे चलते हैं। ट्वेंटी एट पे चलते हैं। कॉकरोचेस, दे हैव अ नॉक्टर्नल विजन, दे हैव मोज़ेक विजन, पोसेस कंपाउंड आईज, हैव ऑल द ऑल ऑफ दिस। हर क्वेश्चन में आपको एक और क्वेश्चन बनेगा, मिलेगा आंसर, नेक्स्ट आंसर आपको आएगा कि आपने नॉक्टर्नल विजन के बारे में नहीं पढ़ा था, मोज़ेक के बारे में पढ़ा था, तो आप इसको आप समझ सकते हैं व्हाट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 29th, इन कॉकरोच ईच आई कंसिस्ट ऑफ ओमेटिडिया। ओमेटिडिया तो हैं, नंबर तो आपको याद होगा, लेकिन वहाँ आपने लिखना कि हेक्सागनल हैं, ऑक्टागनल हैं। अब आए 30th पे, विद द हेल्प ऑफ सेवरल ओमेटिडिया कॉकरोच कैन रिसीव सिंगल इमेज ओनली ऑफ एन ऑब्जेक्ट, नो इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सेवरल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड सेंस स्मेल। कुछ सालों से देखिए, अब ये ट्रेंड आ रहा है, चल रहा है कि कितनी स्टेटमेंट राइट हैं। ये भी थोड़ा सा टिपिकल होता है, इसमें भी वो प्रायोरिटी एंड एलिमिनेशन वाला मेथड आपने यूज़ करना है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कॉकरोच, थोड़ा टाइम लगता है, पर जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं वो बच्चा सही आंसर कर सकता है। ये देखें फिर, ये फिर डायग्राम बेस देखिए, डायग्राम आएगा तभी आप इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। एक बार इनको आप इस टाइप से आइडेंटिफाई कर लें कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ये ए बी सी डी लिख लें क्या हो सकती हैं। नाउ यू कैन कम टू द ऑप्शंस पे, आइए अब नेक्स्ट पार्ट पे। ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट है, यहाँ करेक्ट, फिर वो ऐसा ही एलिमिनेशन वाला मेथड यूज करना है आपने, करेक्ट और इनकरेक्ट वाली स्टेटमेंट पे।
अगला इनकरेक्ट वाला, इनकरेक्ट पे ध्यान देना है आपने। कॉन्ग्लोवेट ग्लैंड, हार्ट इज मायोजेनिक, स्पर्म्स स्टोर्ड, ईच ओवरी इज फॉर्म्ड अ ग्रुप ऑफ एट ओवरियन ट्यूब्यूल्स और ओवरीज। नेक्स्ट पे आए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉकरोच के बारे में। आगे जो ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच के बारे में। फिर देखिए डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, इसको पहले डायग्राम वो देख लें कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं। ये यहाँ है, ये so now you can guess the, it's written over here. Now coming to next question, phellomeres or gonapophyses are chitinous structure which कहाँ present हैं। आइए अब 39 पे रीड द फॉलोइंग, यहाँ भी देखिए करेक्ट देखना है, वही एलिमिनेशन वाला मेथड यूज करना है आपने।
एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड इन दिस चैप्टर, इन दिस टेस्ट चैप्टर का कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो कवर ना किया हो. Now come to 40th पे. फोर्टी फर्स्ट, उथिका एंड कॉकरोच आर प्रोड्यूस्ड बाय द सिक्रीशन ऑफ then 42, the exoskeleton of each segment of cockroach is made up of dorsal tergum, ventral sternum, both A and B, and tergum only. देन 43, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फॉर कॉकरोच. देखिए इनकरेक्ट, ये चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह आपने देखनी है. हर एक क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा गया है या करेक्ट पूछा गया है. मैक्सिमम बच्चे इस टाइप की गलतियां कर जाते हैं. देन 44, द डेवलपमेंट ऑफ कॉकरोच इज हेमी मेटाबोलस, ए मेटाबोलस, पाउरा मेटाबोलस, होलो मेटाबोलस. तीन बार हम कर चुके हैं, अब तो वैसे ही आपको याद हो जाने चाहिए. देन लेबियम इज द माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच, फॉर्म्स लोअर लिप, अपर लिप, टंग और फेरिंग्स. तो आई थिंक इफ यू सॉल्व दिस रिटेन लर्न, जिन 45 को कर लें तो इससे बाहर कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा. नाउ लेट अस सी हाउ मच यू हैव गेन्ड ड्यूरिंग दिस स्टडी ऑफ कॉकरोच के बाद. आइए अब यहां से शुरू करते हैं कि जो बोल्ड आर द आंसर्स, अपने आंसर मैच करते रहें. कि बॉडी ऑफ कॉकरोच डिवाइडेड इनटू थ्री सेगमेंट, तीन सेगमेंट है, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन. सेकंड डायग्राम बिलो, यहाँ देखिए ये प्रोनोटम, इसको प्रोनोटम बोला जाता है, और ये सीज द टेगमिना, टेगमिना बोला जाता है इसको, फोर विंग को. एंड ये एनल सरकाई होते हैं, दोनों मेल और फीमेल दोनों में होते हैं. वेयर एज एनल स्टाइल, जैसा कि मैंने बताया था, स्टाइल के स्टाइल मारता है कौन, मेल स्टाइल मारता है, तो मेल में प्रेजेंट है. कमिंग टू दिस के हेड इज मेड अप ऑफ, हेड छः सेगमेंट का बना होता है. इन कॉकरोच अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीना अराइज फ्रॉम मेम्ब्रेनस सॉकेट लाइंग इन फ्रंट ऑफ आइज.
hypopharynx cat, tongue-like structure lies within the cavity by the mouth part. So both are the answer. Identify these diagrams are why important. That is D is that is the labrum. Then is B is the labium. Labial palpi भी यहाँ होती हैं. Then is the mandible. Then is the maxilla. So you are supposed to retain the positions. In cockroach the first pair of mesothorax. ये देखिए ये तीन होते हैं. तो जो first pair of wing mesophore ये meso से निकलता है और दूसरा meta से निकलता है. तो दिस इज द आंसर. प्रोनोटम रिप्रेजेंट द ये डॉर्सल एक्सोस्केलेटन प्लेट ऑफ प्रोथोरेक्स की प्लेट को क्या कहते हैं प्रोनोटम कहते हैं. रीड द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू ये ठीक वाले ए वन थ्री एंड फाइव वन थ्री एंड फाइव. ये देखिए एनल स्टाइल्स आर एबसेंट इन फीमेल. क्या पूछा है यहाँ विच रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. दैट इज फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट सेकेंड एनल सर्काई आर ओनली. ये देखिए ये आ गया एलिमिनेशन वाला. सो फोर विंग्स आर टेग्मिना विद विच आर ट्रांसपेरेंट एंड मेम्ब्रेनस. तो यहाँ गलत हो गया. इन फीमेल कॉकरोचेज ऑल द अबव स्टेटमेंट आर ये सारी राइट हैं. मेल वो उनकी जो बॉडी ये एंड पार्ट है उसके बेस पे उनको कैसे डिफाइन किया जाता है ये आपने करना है. विच आर द फॉलोइंग नॉट करेक्ट. मालपिजेंट हेल्प इन रिमूवल एक्सीडेंट फ्रॉम हिमोलिम्प. सो दिस इज नॉट अ करेक्ट. देन नॉट इन करेक्ट. इन नॉट इन करेक्ट. तो ये नॉट इन करेक्ट मीन्स विच आर करेक्ट. विच आर करेक्ट. देन आइडेंटिफाई ए बी सी डी. ये सी इज द आंसर. ये देखिए ये क्या है सलाइवरी डायग्राम आपको आनी चाहिए. देन थर्टीन विच ऑफ द फॉलोइंग इन करेक्ट अबाउट एलिमेंट्री कैनाल. दैट इज सी. फोर्टीन दैट इज बोथ बी एंड सी. ये मस्कुलर हार्ट चैम्बर नहीं है. गीजर्ड ऑफ कॉकरोच ए एंड बी दोनों ये भी आना चाहिए आपको. देन आइडेंटिफाई ए बी सी डी. दैट इज डी इज द आंसर. सिक्सटीन्थ सेवेंटीन हिमोलिम्फ ब्लड इज कंपोज ऑफ कलरलेस प्लाज्मा न्यूमरस टाइप ऑफ हिमोसाइट. हिमोलिम्फ ऑफ कॉकरोच बोथ ए एंड बी. देखिए दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो बॉडी ऑफ कॉकरोच बियॉन्ड दिस दैट इज हिमोसील साइनसेस. हार्ट ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ द 13 फनल लाइक कॉन्ट्रैक्टाइल चैम्बर्स. देन रीड द फॉलोइंग सेक्टर. ये इनमें से वन टू एंड थ्री. वन थ्री दैट इज ये देखिए ये गलत है. ये एलिमिनेशन ऐसे करने हैं आपने. द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच हैज अ स्पाइरल हुज ओपनिंग आर गार्डेड बाय स्फिंक्टर. बिल्कुल ठीक है. ये बीस नहीं होते हैं. पेरिकुलर दे आर लेटरली प्रेजेंट. कैसे फैसिलिटेट डिफ्यूजन से नहीं होता. तो चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. ऑल द अबव आर द करेक्ट स्टेटमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉकरोच. ये देखिए ये बताया हमने सारी की सारी होती हैं. माल पिजन टेबल कन्वर्ट नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट इन टू यूरिक एसिड यूरिकोटेलिक. देन इफ द हेड ऑफ द कॉकरोच कट ऑफ देयर इज मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट नर्वस सिस्टम. दैट इज इन हाइड्रेशन ब्रेन इज प्रिंटेड बाय सुपरवाइजल. वी हैव डन दैट. कॉकरोचेज हैव ऑल ऑफ दिस. हैव नॉक्टर्नल विजन भी है मोजेक भी है एंड पोजेस्ड. नॉक्टर्नल मीन्स रात को विजन वाला. देन ये हेक्सागनल है. देन विद द हेल्प ऑफ द देयर इज सेवरल इमेजेस. मोजेक विजन का मतलब ही सेवरल का है. देन रीड द फॉलोइंग फाइव स्टेटमेंट. देन 32 में आंसर इज ए. ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है. ये आपको बहुत अच्छी तरह आना चाहिए. देन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. दैट इज एक्सटर्नल जेनिटलिया रिप्रेजेंटेड बाय फैलोमियर. चूज द इनकरेक्ट. इनकरेक्ट हार्ट इज मायोजेनिक. दिस इज न्यूरोजेनिक. न्यूरोजेनिक हमारा हार्ट है. ह्यूमन बींग का हार्ट है. ह्यूमन बींग का हार्ट इज मायोजेनिक. मायोजेनिक दैट इज अ पैच ऑफ मॉडिफाइड मसल है. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. देन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ टू ओवरीज लाइंग लिटरली इन द सेकंड टू सिक्सटीन एब्डोमिनल सेगमेंट. देखिए वही नंबर वाला पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया था. चूज विद रिस्पेक्ट टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ऑड वन. ऑड वन तो इस स्पर्मेटिका. दिस इज ऑड वन. इसके बारे में मैंने बताया आपको. देन ये देखिए दिस इज द डी. डी इज द आंसर ऑफ दिस. 38 फेलोमियर्स और गोनोज काइटनस एस्कॉटन फॉर्म द एक्सटर्नल जेनिटलिया इन मेल एंड फीमेल कॉकरोचेज. देन रीड द दिस. दैट इज डी. वन थर्ड एंड फोर्थ फिफ्थ. 40th स्पर्मेथिका. ऑड वन ऊथिका इज कोलेटरल ग्लैंड.
42 exoskeleton of is made up of A and B exoskeleton. Select the incorrect match, that is crop food grinding. That is select the incorrect match of cockroach grinding. Crop storing के लिए होता है, softening के लिए होता है. The development of cockroach is pauro-metabolous and the labium is the lower lip. So in this way